सवाल को देखें, अशोक ने 2592 का निवेश किया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया, जब उसने एक टेक्सटाइल कंपनी से 108 रुपये प्रति शेयर, मतलब एक शेयर का दाम 108 रुपये के हिसाब से उसने शेयर खरीदा, और खरीदने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, 2592 रुपया। जबकि शेयर में जो अंकित मूल्य था, जो उसका एमआरपी लिखा हुआ था, वो था 100 रुपया। वर्ष के अंत में कंपनी ने 12.5% का लाभांश अर्थात डिविडेंड दिया, तो अशोक को कितना लाभांश मिला? तो देखिए, इसको करने के लिए क्या होता है, पहले 2592 रुपया खर्चा किया और शेयर खरीदा 108 रुपये, फटाक से भागा दे दिया, तो पता चल गया 24 शेयर उसने खरीदा था, 24 शेयर खरीदा था, लेकिन 24 शेयर में 100 रुपये करके शेयर का दाम लिखा हुआ है। तो मतलब है कि भले वो 2592 रुपया दिया है, लेकिन उस कंपनी के पास उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 2400 रुपये है, और कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर के एमआरपी होता है, उसी के ऊपर कंपनी डिविडेंड देती है। तो हमको 2400 रुपये के ऊपर ही 12.5% का डिविडेंड मिलेगा, तो होगा 2400 × 12.5/100। अब इसको काट कूट करेंगे तो होगा 300 रुपया, अर्थात जो आपको जो है अशोक को जो है वहां उसे केवल 300 रुपये का फायदा मिलेगा।